नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 अप्रैल 2022, और यहां पे 20 अप्रैल 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए बिजनेस देख लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एक एक करके सारे स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज को देखेंगे दोस्तों, और सबके लेवल को देखेंगे। मार्केट में आज बड़ी गिरावट मिली, उसके भी रीजन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इन सारे इंडेक्स के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए कमेंट करके बताएं, और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग कॉल पाने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर्स, एलाइस, ब्लू, एंजल वन, जेरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक की एनालिसिस। तो सबसे पहले एस्ट्राजेनिका नहीं, सबसे एस्ट्राजेनिका नहीं, सबसे पहले फार्मा इंडेक्स की बात करेंगे। और देखिए बड़ी गिरावट, इंडेक्स में जो गिरावट आई शानदार। देखिए इसमें डोमेस्टिक कुछ भी लोग इशू नहीं है, कोई भी इशू इसमें फिलहाल नहीं है, सिर्फ एक ही इशू है, वो है एफआई की सेलिंग, साथ ही रशिया यूक्रेन का मामला, और एक आध मामला छोटा, अगर ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन वो है कोरोना का वापसी। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रेशर वाली बात है वो है रशिया यूक्रेन का युद्ध वाला, और साथ ही एफआई की सेलिंग, इसके वजह से आप ये बड़ी गिरावट देख पा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए मुकाबला 13,400 के नीचे आने की बात मैंने कल आपको बताया था कि 13,400 तक आ सकते हैं, और आज का लो देखते हैं तो 13,413 के आसपास का बना है, इसका मतलब नीचे का लेवल यहाँ पे कर लिया है इसने कंप्लीट। क्या ये और भी नीचे आ सकता है? तो एक बात है कि इसका जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है दूसरा वाला, पहला वाला तो 13,400 था जहाँ पे होल्ड कर चुका है, अब जो सपोर्ट है वो 13,200 है। तो अगर ये 13,400 के नीचे निकलेगा तभी करेंगे कमजोरी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड में 13,600 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको एस्ट्राजेनिका पे नज़र रखिए, देखिए एस्ट्राजेनिका यहाँ पर आ चुका है, और ये ऐसा एरिया है जहाँ पर से अब इसको एक बार बाउंस करना चाहिए, नहीं कर सकता है बाउंस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? मार्केट में प्रेशर चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, तो कुछ गिरावट आ सकती है। कहाँ पर से? 2,730 के नीचे जाने पर कमजोरी आएगा, 2,700 के लेवल देखने को आपको बनेंगे। हालांकि जैसे ये ट्रेड कर रहा है ये बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न दोनों ही बनाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये फ्लैग है, झंडा, और यहाँ से इसका ये पोल बन गया, तो ये बन गया झंडा, ऊंचा रहे हमारा यहाँ पे हो गया। अरविंदो फार्मा की बात करें तो देखिए अरविंदो फार्मा के लेवल जो आ रहे हैं 660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50 से 60, तो 60 वाला तो क्लेम कर लिया, 650 के नीचे जाएगा तो और गिरावट आएगा, फिर ये 640 से 620 पे जाके रुकेगा। नहीं आया नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, 670-75 इसके ऊपर अगर निकलता है तो छोटा वाला एक टारगेट 680, और 680 के ऊपर अगर टिक गया तो 700 के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन की तरफ देखें तो बायोकॉन भी अपनी जगह पर ही होल्ड कर रहा है और इस बॉक्स एरिया में आने की कोशिश कर रहा है। इसका लोअर लेवल पर अगर आ जाता है 320 पर तो वेल एंड गुड, यहाँ पर अच्छी बाइंग बनेगी, और नहीं लेना है, छोड़ देना है, इस जगह पर नहीं करना है तो फिर 350 के ऊपर जब निकले तब बाइंग करेंगे 370 के लिए। सिप्ला देखिए, इस बॉक्स के नीचे मैंने आप लोगों को सेलिंग बोला था कि सिप्ला को 1,000 के नीचे सेल करना है, मैंने आपको बोला था, और 980 के टारगेट भी दिया था। अगर आप संजोग से देखें तो 980 ही इसका लो है, आज का लो कितना है 980 के आसपास ही इसने लो लगा रखा है सिप्ला ने, तो नीचे वाला काम तो फिनिश हो गया। क्या और नीचे आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे आने के पूरे चांस बनेंगे। अगर ये 980 के नीचे ट्रेड कर गया तो फिर ये 960 तक गिर सकता है। डिवीज लैब की तरफ बढ़े तो डिवीज लैब में भी देखिए मूवमेंट इस बॉक्स के नीचे स्टार्ट होगा, सेलिंग साइड में सेल करने के लिए तैयार रहिए। अगर डिवीज लैब इसके नीचे आता है 4,350 के नीचे, 4,300 के नीचे जरूर सेल करिए, 4,200 के टारगेट आपको बन सकता है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें तो डॉक्टर रेड्डी में देखिए वापस स्ट्रेट लाइन पर आ गया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 4,150 के आसपास अगर ये मिलता है और 4,100 के आसपास, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हो सकता है अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया, 4,100 के नीचे निकल गया तो फिर 4,000 के टारगेट वापस से दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें तो ग्लेनमार्क फार्मा बिल्कुल 460 के नीचे ब्रेक कर चुका है, कमजोर हो चुका है, 465 से 470 वापस ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज 450 के नीचे कमजोर होगा 440 के लिए। ग्रेनर्स इंडिया, देखिए ग्रेनर्स इंडिया में भी सेम, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं कि टारगेट नहीं आ रहे हैं ऊपर के या ये, तो भाई अगर कोई न्यूज़ होता है मार्केट में, कहीं कोई इंडेक्स नहीं टिकेगा, कहीं कुछ नहीं टिकेगा, तो स्टॉक्स में भी गिरावट आएगा। स्टॉप लॉस इसीलिए ना दिए जाते, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिना स्टॉप लॉस का ही ट्रेड होता, तो स्टॉप लॉस ही होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। स्टॉप लॉस का वैल्यू समझिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। 284 के नीचे जाने पे 270 के लेवल बनेंगे ग्रेनल्स में, देखिए उतना आना नहीं चाहिए, 300 के ऊपर निकलेगा तो 310 से 320 के टारगेट बनेंगे, और जब बाउंस आएगा ना मार्केट में तो बहुत फास्ट बाउंस आएगा, बहुत
तेज बाउंस आएगा जिसको पकड़ने में फिर नहीं आएगा। डॉक्टर लाल पैथलेब की बात करें तो देखिए इसने अपने आप को होल्ड किया, 2860 से 2870 का रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट करने पर 3000 के टारगेट बनेंगे। लूपिन में 790 और 800 ये दो रेजिस्टेंस एरिया नज़दीकी, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 820 से 840 के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस कंटिन्यू डाउन की तरफ में आ रहा है, तो 620-24 का एक सपोर्ट है यहाँ पर से, इस लेवल तक एक बार आ जाएगा 620 तक, तो उसके बाद देखेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, कल 634-30 के नीचे निकलेगा तो 620 के टारगेट मिल जाएगा। पिरामल इसने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया है ऊपर की तरफ में, 2275 से 2300 वो रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 2350 से 2400 के टारगेट बनेंगे। स्ट्राइड फार्मा की बात करें तो इसने भी सारा गिरावट खत्म करके वापस उसी जगह पर आ गया जहां से जर्नी स्टार्ट करके गया था, तो ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 330 के नीचे फिर से बिकवाली करेंगे 315 से 300 के लिए। सन फार्मा अपने आपको एक बॉक्स में फंसा के रखा है, तो इस बॉक्स के ऊपर जब निकलेगा या नीचे निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स के ऊपर निकलने दीजिए 950 के ऊपर, तब बाइंग करेंगे। टोरेंट फार्मा अपसाइड में जाने के लिए एक लेवल है 2925 का, वो ब्रेक करेगा तो 2970 से 3000 तक के टारगेट बनेंगे टोरेंट फार्मा में। वोकट फार्मा नीचे का लेवल है, ठीक है कोई ख़राब तो नहीं दिख रहा है, वोकट फार्मा 300 के ऊपर निकल जाए यहाँ से भी तो ठीक ठाक है, वोकट फार्मा को ऐसे टेंशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जेडएस लाइफ ये इस पर नज़र रखिए आप, जेडएस लाइफ पे अगर ये निचला लेवल ब्रेक करता है 345 से 50 को, तो फिर थोड़ा कमज़ोर होगा और वापस 340 तक आने की कोशिश करेगा। अदर बाउंस करना है तो 370 के ऊपर निकलने पर फिर ये आपको अपसाइड के 380 से 390 का टारगेट मिलेगा। तो ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। तो ये तो फार्मा का एनालिसिस हो गया दोस्तों, अब चलेंगे ज़रा फार्मा के बाद आईटी सेक्टर की तरफ। और आईटी में देखिए आईटी इंडस्ट्री मार्केट को गिराने में इस सेक्टर का भी बड़ा हाथ रहा और बहुत बड़ी बिकवाली आईटी सेक्टर मिला। इसके बहुत सारे स्टॉक्स रहे जैसे इंफोसिस, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही कमज़ोर हो गए। ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो पूरा का पूरा रेड में ही नज़र आएगा, और एक समय टिकने का कोशिश तो किया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आईटी में देखिए अपना नीचे का लेवल को तोड़ चुका है, अब ये नीचे कितना और आ सकता है इसको भी समझेंगे। तो निचला लेवल जो सपोर्ट था वो तो कंप्लीट कर लिया, सपोर्ट तोड़ दिया, तो ये दूसरा सपोर्ट की तरफ जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये नीचे तोड़ के 31,000 के आसपास में आ जाए, ठीक है पहला बात तो ये। नहीं आया तो एक दूसरा चांस बनता है कि 32,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक बार रिवर्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि बाउंस करने की कोशिश करेगा। आप देखें एक दिन भी अगर आप 5 अप्रैल से देखें तो एक दिन भी इसने पॉजिटिव कैंडल इंडेक्स ने नहीं बनाया, यानी आईटी में कंटिन्यू बिकवाली है। तो बाउंस भी आएगा तो आईटी में बहुत फास्ट बाउंस आएगा, इसको नज़र पे ज़रूर रखिएगा। तो चलते आईटी में, सबसे पहले हम लोग बिरला सॉफ्ट पे नज़र रखें। देखिए बिरला सॉफ्ट में होल्ड नहीं कर पा रहा, कैसे करेगा जब सारा का सारा पूरा मार्केट डाउन है, तो ये अकेला होल्ड कैसे करेगा। 440 के ऊपर निकलने बाद 460 से 480 के टारगेट बनेंगे, अदरवाइज इसी जगह पर यह सस्टेन करता रहेगा। कोफोर्ज की बात कर लें, कोफोर्ज में अपसाइड में 4200 का लेवल है, वो ब्रेक होगा तो 4300 से 4400 नीचे के लेवल खुल सकते हैं। अगर ये 3950 के नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड में 3800 तक भी जा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट के लेवल जो अच्छे खासे लेवल थे, हैप्पीएस्ट माइंडसेट अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 1000 का सपोर्ट एरिया, तो फिर ये 990 और 975 की तरफ आने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये जितना तेज़ी से ये सब गिरा है स्टॉक, तो अगर यहाँ से बाउंस भी आता है तो याद रखिए 25% का बाउंस आपको यहाँ से मिल सकता है अपसाइड में। HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो सपोर्ट को ब्रेक कर गया और अंततः कंप्लीट कर चुका है अपना एरिया को, यानी 1180 वाला एरिया को तोड़ के नीचे सस्टेन कर रहा है। अब कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर तो पहले से भी था और अब कमज़ोर और भी दिखने लगा है। तो लेकिन यहाँ से कितना कमज़ोर था मैं यहाँ पर सेलिंग नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता पता है, सारे ये स्टॉक देखेंगे ना तो ओवरसोल्ड जोन में पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो जब ओवरसोल्ड में आ गया तो मैं सेलिंग कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे सेलिंग नहीं बोल पाऊंगा, आपको यही कहूँगा कि वेट करिए रिवर्सल का और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को फिर ढूंढना पड़ेगा। इन्फोसिस 1500 पर आ गया, देखिए 1900 से लेके 1500 और आज का कैंडल देखते हैं तो 3.5% की गिरावट है, कितना भयानक है। कल अगर 1550 के नीचे निकलता है तो कमज़ोर हो जाएगा, 1500 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। एक बार इसको एरिया आता है 1535 के आसपास में, तो एक बार इस एरिया पे रुकना चाहिए 1535 के आसपास में। जस्ट डायल में मूवमेंट रहा, उल्टा मूवमेंट रहा, मार्केट नीचे ये ऊपर, ये अच्छा है। 920 के ऊपर निकला, 950 हो गया, अब अगर ये वापस नीचे गिरता है 868 के नीचे, 865 के नीचे, तो 840 के लेवल बनेंगे। L&T इन्फोटेक, देखिए L&T इन्फोटेक बिल्कुल स्टैंड लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, अगर इस लेवल पर मिलता है आपको तो ज़रूर पोजीशन बने। और लेवल आता है 5200
5,300 के आसपास, 5,300 के आसपास में और 5,250 के आसपास में अगर इस एरिया पे मिलता है तो एक स्विंग का ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है 5,250 से उसे 5,300 के आसपास में, अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात है कि अगर माइंड ट्री की बात कर ले, माइंड ट्री तो अपना लोअर लेवल को तरफ टच करने को तैयार है, टच कर भी लिया है लगभग, माइंड ट्री ने टच कर भी लिया है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और शर्माने वाली भी बात नहीं। कारण इसलिए कि भाई रिजल्ट जिस तरह के आए उससे इस तरह का बिहेवियर इसको देखने को मिला, तो सिंपल सी बात है, खराब रिजल्ट में भी स्टॉक बढ़ जाता है, अच्छे रिजल्ट में भी स्टॉक गिर जाता है। और अभी तो सेक्टर भी पूरा गिरा हुआ ही था, 3,500 का एक क्रूशल सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया तो ये 3,000 के लेवल की तरफ भागेगा, इसलिए भी नज़र पर रखिए। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस ने कम्प्लीट कर लिया आज, ये जल्दबाजी में ये जल्दी निकाल लिया अपना, अब यहाँ पर रुकेगा, रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकता है कब रुकेगा, अगर ये गैप डाउन कल ओपनिंग हुआ तो रुक जाएगा, गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो ये फंस जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा 2820 को, 2800 को तो कमजोर हो जाएगा, 2700 तक जा सकता है, और ऊपर अगर गैप डाउन ओपन हुआ 2850 2900 के ऊपर तो 2850 पे तो है ही, 2900 के आसपास ओपन हुआ तो ये फिर ये 2950 से 3000 की तरफ भागेगा। इन्फो एज की बात कर ले, इन्फो एज में 4600 अभी तो इसको छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे, इसके भी पैटर्न भी बिगड़ गए हैं। जरा अब इन्फोएज के बाद पेटीएम की तरफ चलें, तो पेटीएम में इसके ऊपर जाएगा 720 के ऊपर तभी पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, 720 के ऊपर निकलेगा तभी एक पोजीशन अच्छा बनेगा 775 के लिए, अभी अवॉइड करके चलेंगे। मार्केट में गिरावट है तो हो सकता है अगर ये 610 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रेक हो गया तो गिरावट बढ़ जाएगा इसमें। टाटा इलक्सी वापस आ गया उस जगह पर, है ना, जहाँ से चला था, जितना हवाई जहाज बना के चला था, ये सारा टॉप लगा और यहाँ टॉप लगने के बाद जो है गिरावट स्टार्ट हो गया। टाटा इलेक्सी पास 7400 का एक सपोर्ट एरिया, उसके नीचे जाने पे और ख़राब है, अदरवाइज 7400 से इसको बाउंस कर जाना चाहिए। TCS की बात करें तो TCS के पास में सपोर्ट है, ये एक बार इस लेवल को टच कर सकता है जिसका प्राइस 3380 से 3400 के आसपास का आ रहा है, इसका आज का अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 3439 का, यानी थोड़ा गैप अभी भी बचा हुआ है। टेक महिंद्रा सारा लेवल कंप्लीट कर लिया इसने, नीचे का सारा खेल बिगाड़ दिया इसने, देखिए किस तरह से इसने काम किया है कि एकदम टॉप बेहतरीन पैटर्न और वहाँ से गिरावट। अब हमें इसी लेवल के ऊपर पोजीशन करना होगा 1350 के ऊपर, जब तक इसके नीचे है हमें पोजीशन नहीं बनाना है, एवॉइड करके चलना है। विप्रो उससे ज़्यादा बेहतर मैं विप्रो को मानूंगा कि विप्रो में अभी उतना खराबी नहीं है, विप्रो और स्टॉक्स के मुकाबले, इंडस्ट्रीज के मुकाबले, स्टॉक्स के मुकाबले ये थोड़ा ठीक है आईटी में। तो ये है तो दोस्तों बैंक निफ्टी के फार्मा के बाद आईटी पे स्टॉक। अब चलेंगे ज़रा फाइनेंशियल, ये पहले मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। मेटल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो देखिए मेटल इंडस्ट्रीज में 6600 के लेवल को ब्रेक कर चुका है नीचे, अब इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है नीचे का 6200 से लेकर 6300 पर, इसके पास अगर आ गया तो समझिए गिरावट तो बढ़ चुके हैं, और नहीं आया और यहीं से बाउंस किया ऊपर 6700 को तो फिर संभल जाएगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस 3% की गिरावट है और गिरना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी चढ़ा हुआ स्टॉक था, काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा था, तो हमें ये भी देखना रहता है कि ओवरसोल्ड कौन से स्टॉक्स हैं। नीचे ध्यान में रखिए 2140 का लेवल है, 2130 का लेवल है, वो सब ब्रेक होगा तो 2050 तक नीचे गिर सकता है। APL अपोलो ऊपर के लेवल है 1070-72 के ऊपर निकलता है तो 1100 का टारगेट बनाएगा। कोल इंडिया में शानदार मूवमेंट, एनर्जी सेक्टर में मूवमेंट बना हुआ है, हालांकि टाटा पावर बैन में चला गया जिसकी वजह से उसमें उसका मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट कोल इंडिया में आपको देखने को बना है। अप साइड में 2 से 2-3 का एक लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है, ये कंप्लीट हो चुका ना, इसकी बात हम लोग कर रहे थे कि ये काफ़ी बड़ा पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है कोल इंडिया, तो ऊपर अब 202 से 203 को ब्रेक करेगा तो 210 तक का टारगेट दे सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को नीचे के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर ब्रेक कर चुका है, तो इसके पास एक लेवल बनता है इस प्राइस पर, और वो प्राइस आता है 520 रुपये का, तो एक बार 520 तक आ जाए उसके बाद सोचेंगे, नहीं आया यहाँ से ऊपर घूम गया 555 से 560 के ऊपर तो यहीं से 580 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो ऊपर के लेवल हो गए 130 का कंप्लीट, आज 129.50 का लगाया था तो वापस, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, तो होल्ड जब तक 125 के ऊपर क्लोज नहीं करे ना तब तक मज़ा नहीं, 125-26 के ऊपर क्लोज करता रहे तो फिर अपसाइड का मूवमेंट खुला रहेगा। हिंदुस्तान
ऊपर नीचे के लेवल पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऊपर 350 55 60 ये सब लेवल है, उसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक अच्छा पोजीशन बन जाएगा 355 से 60 के ऊपर, जब ये 370 और 80 के टारगेट भी दिखाएगा। जिंदल स्टील की बात करें तो होल्ड किया हुआ अपने हायर लेवल को, इसके नीचे आने पर यानी 540 के नीचे सेल करिएगा 530 के लिए, ऊपर जाने के लिए 560 का लेवल है, ब्रेक करेगा तो 580 का टारगेट देगा। JSW स्टील अभी छोड़ेंगे, 780 के ऊपर निकलेगा तब देखेंगे, और नीचे की साइड में 740 35 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड सेम कंडीशन में, दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, मिश्र धातु निगम लिमिटेड इसके नीचे अभी इसको अवॉइड करके चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें वोलेटाइल बना हुआ है। विक्स देख रहे कितना बड़ा है। मोइल की बात करें तो मोइल में अगर आप साइड में 190 के ऊपर निकलता है 195 के टारगेट बनेगा। नेशनल एल्युमिनियम देखिए 123-24 के ऊपर निकले तो 127-28 के टारगेट बन जाएगा, और NMDC की तरफ में अच्छा लेवल है, 175 के ऊपर बाइंग आएगी 178 से 180 के लिए। रत्नामणि मेटल्स वापस से ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 2550 से 2600 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बनेगा। हालांकि जिस तरह के पैटर्न बना रहा है ऊपर अगर ये 2500 को भी ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट बन सकता है। सेल कोई दिक्कत नहीं, वेट करके चलेंगे सेल में। टाटा स्टील न्यूज़ है इसमें स्पिल्ट होने का, 1350-55 के ऊपर रैली आएगा 1400 और नीचे गिरेगा 1300 के नीचे, सेल करेंगे 1275 के लिए। वेदांता की बात कर ले, वेदांता में 440 के ऊपर मूवमेंट 460 का बनेगा। वेलस्पन कॉर्प प्रॉफिट बुकिंग तो 190 के पास आके एक बार रुक सकता है। तो दोस्तों निफ्टी के फार्मा हो गए, मेटल हो गए, IT हो गए। मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, मार्केट रेट से जानकारी के लिए, और साथ ही आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और कॉस्मोफीड ऐप पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वही चीज़ मैं वहाँ पे आपको कॉल प्रोवाइड करता हूँ, यानी जिसको जहाँ सुविधा हो रहा है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिंक मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 0 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अब चलिए, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, IT हो गया, फाइनेंशियल बच गया। फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें तो गिरावट 15600 के नीचे गिरेगा तो 15000 तक आ सकता है। बजाज फाइनेंस 7200 के नीचे सेल करेंगे 7000 के टारगेट के लिए, 7100 तो लगभग आ ही गया था। चोला फाइनेंस की बात करें, अपसाइड में 760 के ऊपर निकल जाएगा तो मूवमेंट बनेगा 780 के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी अवॉइड करके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ठीक है उसके मुकाबले में, अगर ये आपको 360 के आसपास मिलता है बाय करेंगे, ऊपर 390 को ऊपर निकलेगा 400 के ऊपर बाय करेंगे, 400 के लिए बाय करेंगे। L&T फाइनेंस 85 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा 88 से 90 के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे, कोई टेंशन नहीं। M&M फाइनेंस ठीक ठाक है, अपसाइड के लेवल 182-183 के ऊपर निकलेगा तो फिर 195 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। मुथूट फाइनेंस अपने लोअर लेवल 1280 को ब्रेक करेगा, सेल मार दीजिए तुरंत 1250 के लिए, बाउंस करने के लिए परफेक्ट जगह है। SR ट्रांसमिट की बात करें, इंट्राडे में दिया हुआ था, सेल लेवल सारे एग्जीक्यूट हो गए थे। 1095 के नीचे कल अगर ये आता है तो और सेल करेंगे, 1095 के नीचे भी आप सेल कर लीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तब फिर आपको 1070 तक के आते हुए मिल सकते हैं टारगेट। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।